तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बदर से 26 डिग्री ईस्ट के चैनल्स को दिखाऊंगा तथा दोस्तों मैं आपको डिश सेटिंग दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आप लोगों को दिखाते चले। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा ये डिश एंटीना लगा हुआ है ये है दोस्तों डीडी फ्रेडिस। और आप सबको मालूम है कि ये हमारा जो डिश एंटीना है वो हमेशा फिक्स रहता है डीडी फ्रेडिस पर ही। तो दोस्तों ये जो हमारी डिश है यहाँ पर ये सन डायरेक्ट की डिश एंटीना लगी थी। अब इसके पीछे कारण हम आपको बताएंगे क्यों हमने डिश टीवी के एंटीने को लगाया है यहाँ पर और ये कौन सी सेटेलाइट है। तो सेटेलाइट का नाम हम आपको फटाफट बताते चलें, ये है बदर सेट 26 डिग्री ईस्ट। और बदर सेट 26 डिग्री ईस्ट पर आपको सिग्नल मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ। फ्रीक्वेंसी आप लोग देख लीजिए, इस फ्रीक्वेंसी को आप नोट कर सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा ऑफ करता हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये कितना नीचे रहेगा। और अगर आप एयरटेल से सेट करें, सन डायरेक्ट से सेट करें या टाटा प्ले से सेट करें, आपका एंटीना नहीं सेट हो पाएगा बदर सेट 26 डिग्री ईस्ट पर, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे तक झुकता नहीं है और ये सेटेलाइट बहुत ही नीचे है। मैं आप लोगों को दोनों की पोजीशन दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये डीडी फ्रेडिस की है और ये है बदर सेट 26 डिग्री ईस्ट पे। एलएनबी का स्क्रू एंगल भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये देख सकते हैं एलएनबी का स्क्रू एंगल कैसे इसमें एलएनबी का स्क्रू एंगल रखा गया है। ये देखिए आप लोग, डीडी फ्रेडिस से उल्टा रखा है और वर्टिकल मोड पे हमने फ्रीक्वेंसी डाली है। चलिए फ्रीक्वेंसी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार और। देखिए मैंने इसे अभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोड पे इसलिए किया है ताकि ये आवाज़ दे रहा था। अभी देखिए मैंने वर्टिकल किया और सिग्नल हमारे पास आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत सारे लोग कॉमेंट में ये कहेंगे उनके पास ये सेटेलाइट नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके पास सेटेलाइट होगी, बस आपके पास सही चीज़ होनी चाहिए। जैसे दोस्तों हम एयरटेल पे करना चाहें हमारा एयरटेल पे नहीं होगा, वीडियोकॉन पे करना चाहें नहीं होगा, क्योंकि वो एंटीने ज़्यादा नीचे तक नहीं झुकते हैं। और डिश टीवी का एंटीना होता है अंडाकार होता है और ज़्यादा नीचे तक झुकता है और ज़्यादा नीचे तक की सेटेलाइटों को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए इसका मैं चैनल लिस्ट दिखा दूँ, हालाँकि आज की ही वीडियो में मैंने दिखाया था मगर एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं ताकि जो आज के बाद हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल पाए। और दूसरी बात, ये जो मैं चैनल दिखाने जा रहा हूं ये चैनल कहीं कहीं रिसीव हो रहे हैं, लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी मैं दिखा रहा हूं ये सार हर एक जगह पे ये फ्रीक्वेंसी मिलती है, हर एक जगह पर ये इस फ्रीक्वेंसी पर हमें चैनल मिलते हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी को नोट कर लीजिएगा और आसानी के साथ अपने डिश एंटीने को सेट कीजिएगा। या तो दोस्तों एक काम और कर सकते हैं आप, अपने एंटीने को थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए सूरज डूब भी रहा है, आप लोगों को दिखा दें, ये देखिए सूरज कहाँ, सूरज यहाँ पे डूब रहा है और एंटीना हमारा यहाँ पे रहेगा, समझ रहे हो। इधर सूरज हमारा डूब रहा है इसी साइड में और लगभग इसी साइड में है एंटीना, ठीक है। तो जहाँ सूरज डूब रहा हो वो उधर ही आपको एंटीना घुमाना है। बाकी चलिए मैं आपको चैनल लिस्ट और तमाम सारी डिटेल दिखाता हूँ। सब्सक्राइब करें साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना न भूलें